Good morning, students. Today we will learn a short story, and this is of class 2 subject English. The name of the story is Stone Soup. It is a short and a sweet story, and many of you have heard about this story. This story is very famous, and this story is about three travelers. Three travelers were traveling to one place to another place, and they had nothing to eat. When they were hungry, they had nothing in their hand to eat, and no one has given them anything to eat. But still, they all fed well. Stomach full, they had it. Means, तीन सवारी लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था. रास्ता में उनको भूख लगा. उनके पास कुछ खाने पीने का व्यवस्था नहीं था. कोई उनको कुछ भी नहीं दिया. But still, वे लोग सब खाए हैं. वही है स्टोरी. The name is Stone Soup. Stone means you know, पत्थर. Soup means soup, पीने वाला चीज. Stone Soup. Let us start the story. Listen carefully. A long time ago, the farmers had in a village had a poor harvest. A long time ago, the farmers in a village had a poor harvest. लॉन्ग टाइम देखो बहुत सालों पहले एक विलेज में फार्मर लोगों का हार्वेस्ट हुआ. हार्वेस्ट मतलब क्रॉप धान गेहूँ वगैरह कल्टिवेट करता वही हुआ. देयर वॉज वेरी लिटिल फूड टू ईट एंड सो नो वन शेयर्ड देयर फूड विद अदर्स. उस हार्वेस्ट में यही हार्वेस्ट में जब लोग क्रॉप बनाया इस हार्वेस्टिंग सीजन दे हैड वेरी लिटिल फूड. सो नो वन शेयर देयर फूड विद वन अनदर मतलब शेयर करने के लिए नहीं था. बहुत कम कल्टिवेशन किया था. वन डे थ्री ट्रैवलर्स केम टू द विलेज. वही गांव में वही विलेज में तीन सवारी आए. दे वर टायर्ड एंड हंग्री. वे बहुत थके. टायर्ड मतलब थक गया वाला है और हंग्री भूखे थे. दे वांटेड समथिंग टू ईट. उनको कुछ खाने के लिए चाहिए था क्योंकि तीनों सवारी लोग हंग्री था. दे नॉक एट द डोर. एक किसी का घर में जाकर के वे लोग नॉक किए. नॉक मतलब खटखटाए. ए मैन केम आउट एंड टोल्ड देयर वॉज नो फूड इन द हाउस. जैसे इन लोग को देखा है घर का मालिक को समझ में आया कुछ पूछ के आ रहा है. कुछ खाने का मान पूछ के आ रहा है. घर का ओनर बोले देयर इज नथिंग टू ईट. देयर इज नो फूड टू गिव देम. द ट्रैवलर्स नॉक एट द मेनी डोर्स. दिस थ्री ट्रैवलर्स वन आफ्टर अनदर मेनी डोर्स दे वेंट एंड नॉक. नो वन गेव एनीथिंग टू इट. कोई किसी का घर से उनको कुछ भी नहीं मिला खाने के लिए. नोबडी हैज शेयर्ड एनीथिंग विद देम. दे वर सैड. दे बोथ सैड हो गया मतलब दुखी हुआ. बट दे हैड एन आइडिया इन देयर माइंड. उनको एक विचार हुआ. उनका सिर में एक आइडिया आया. द फर्स्ट ट्रैवलर पुल्ड आउट ए ह्यूज पॉट फ्रॉम ए कार्ट. फर्स्ट ट्रैवलर अपना कार्ट से एक पोट बड़ा सा पोट निकाल दिया. द सेकेंड ट्रैवलर फिल वाटर इन इट. सेकेंड दूसरा सवारी उन पोट में पोट मतलब भी अंडर शुद्ध ना पोट मतलब मड़का जहाँ हम लोग खाना पीना बनाते हैं वह मड़का. उसी में पानी लगाया और दूसरा ट्रैवलर क्या किया फायर इन फायर अंडर इट. पानी लगा दिया और उसके नीचे फायर दे दिया आग दे दिया. द थर्ड पर्सन पुट अ स्टोन इन द पॉट. तीसरा सवारी उनके पास कुछ पत्थर था वो उठा के मटका में डाल दिया पॉट में लगा दिया. नाउ द विलेजर्स वांटेड टू नो व्हाट द ट्रैवलर्स वर डूइंग. विलेज में गांव का लोगों को मालूम होना चाहिए अभी ये तीन सवारी लोग क्या कर रहा है. वो लोग एक साथ झूठ कर बैठ के कुछ बना रहा है. उनको देखना चाहिए था. दे विलेजेस वांट टू नो व्हाट दिस ट्रैवलर्स वेयर डूइंग. वन ऑफ द ट्रैवलर टुक सम सूप एंड इज टेस्टेड. दिखाने के लिए एक सवारी चम्मच से मिलाया पोट को. देन ही हैज टेकन लिटिल सूप एंड स्टार्टेड टू टेस्ट. इट इज गुड. ही सेड इट इज गुड.
He said, it is good if we order some carrots. Carrot मतलब you know, और not a vegetable. He said, the one who tasted, he said, अगर हम लोग कुछ carrot इसमें मिलाने से हमें अच्छा नहीं लगा. The villager went and came by with some carrots. तुरंत एक villager, one of the man from the village, went to his house and brought a little carrot. He put it in the soup. Carrot लाकर के सूप में मिला दिया. They tasted wonderful. They tasted कर दिया. One of the traveler tasted the soup. He said it is wonderful. आश्चर्य से बताया wonderful. Another villager ordered salt and spices. When he said wonderful, another villager, another man also felt it. He also needed to add something for the soup. So he went to his home and he brought some salt and spices. Salt मतलब नमक, spices मतलब मसाला. दोनों लेके आया और सूप में मिला लिया. It was very tasty. Soup was very tasty. अभी carrot है, salt है, spices है. So third traveler tasted and he said it is very tasty. One after another ordered. क्या क्या ऐड कर दिया? Potatoes, onions, cabbages, mushrooms. मतलब दो विलेज का आदमी लोग जाकर के, एक आदमी जाकर के कैरेट लेगा दिया, दूसरा मैन वेंट एंड ब्रॉट सॉल्ट एंड स्पाइसेस. देन दे अंडरस्टूड द सूप इज गेटिंग टेस्टियर एंड टेस्टियर. सो वन आफ्टर अनदर द विलेजर्स वेंट देयर होम एंड ब्रॉट पोटैटोस, ऑनियंस, कैबेजेस एंड मशरूम्स. सून देयर वाज इनफ सूप फॉर द एंटायर विलेज. जैसे भी लोग जाकर के अपने घर में जो सामान था लेके आया, सूप में ऐड कर दिया, सूप बहुत सारा बनना शुरू कर दिया. एंड देयर वाज इनफ सूप फॉर द एंटायर विलेज. एवरीबडी एंजॉयड द सूप. ये तीन ट्रैवलर नहीं, उसके अलावा गांव का सारा लोग सूप पीना शुरू किया. एंजॉयड, एंजॉयड मतलब वो पी करके मजा आया उनको. इट वॉज द टेस्टेस्ट सूप एवर दे हैड. हाँ, इट वॉज द टेस्टियस्ट सूप. ऐसा सूप वे लोग कभी नहीं पिए हैं, उतना टेस्टी वाला सूप था. दे हैड थैंक्ड द ट्रैवलर्स. विलेजर्स ऑल टुगेदर थैंक्ड द ट्रैवलर्स फॉर गिविंग देम द टेस्टियस्ट सूप. वंस अगेन आई विल रीड, लिसन केयरफुली. ए लॉन्ग टाइम अगो द फार्मर्स इन द विलेज आर ए पुअर हार्वेस्ट. देयर वॉज वेरी लिटिल फूड टू ईट एंड सो no one shared the food with others. One day three travelers came to the village. They were tired and hungry. They wanted something to eat. They knocked at a door. A man came out and told there was no food in the house. The travelers knocked at many doors. No one gave them anything to eat. They were sad, but they had an idea. The first traveler pulled out a huge pot from their cart. The second traveler filled water and lit the fire under it. The third person put a stone in the pot. Now the villagers wanted to know what the travelers were doing. One of the traveler took some soup and tasted. It was good. He said, it is a good if we add some carrots. A villager went and came by with some carrots. He put it in the soup. They tasted wonderful soup. It was. Another villager added salt and spices. It was very tasty. One after another added potatoes, onions, cabbages, mushrooms. Soon there was enough soup for the entire village. Everybody enjoyed the soup. It was the tastiest soup they ever had. They thanked the travelers. This is a story. I have underlined some words. These are the some new words. Harvest, tired, knocked, idea. Then some of the vegetables name, you know, carrot, salt.
wonderful spices, potatoes, onions, cabbages, mushrooms. It is a short story and very interesting story. Name of the story is Stone Soup, and you will get a moral lesson from this story. Whatever we have, if we share with the person, those who do not have it, and they also will feel happy, all will be satisfied and contented. Thank you. Read and understand this story well. Thank